नमस्कार, मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन वन। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के करण महाराजी। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो कांग्रेस से कुछ नेता जो छोड़ कर गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि कुछ नेताओं को नाराज़गी भी थी और वो इसलिए भी गए हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त भी थे। देखिए, बीजेपी का एक आप लोगों ने एक टर्म दिया है ऑपरेशन लोटस जी। और बीजेपी के तीन फेज के ऑपरेशन लोटस हैं। एक तो था जिसमें उन्होंने 10 सालों में 9 चुनी हुई सरकारें पब्लिक की गिराई और 10वीं सरकार हिमाचल की खतरे में चल रही है। दूसरा ऑपरेशन लोटस था कि लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाएँ, उन पर धाराएँ लगाई जाएँ, मुकदमे लगाए जाएँ, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाली जाए, EDCBI, और बाद में उन लोगों को दड़ा धमका के अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन में साफ करके अपने यहाँ बैठा लें। जितने हमारे यहाँ से उत्तराखंड में गए उसमें मैक्सिमम लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। मैंने बकायदा प्रेस करके कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे लगे ये डिस्क्लोज़ किया था और कौन कौन है जिन लोगों के ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे, जिनके किसी के बेटे के ऊपर मीटू लग गया, किसी के ऊपर 420, 476, 477, 771 लग गई, 471 लग गई, ऐसे लोगों को पार्टी ने अपने उसमें ज्वाइन कराया है। और कल तक जिनको बीजेपी का संगठन और बीजेपी की सरकार चोर और भ्रष्ट बताती थी उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और ऑब्वियस है कि जब ऐसे लोग जाते हैं तो उनके समर्थक भी जाते हैं, तो वो संख्या है। कांग्रेस इससे कतई घबराई भी नहीं है, लेकिन निश्चित ही एक ये लोकतंत्र में एक गलत परिपाटी पड़ चुकी है और ये आगे आने वाले समय में भी लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान इन चीज़ों का होगा। जी करण जी, हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? ये जो लोकसभा सीट है हरिद्वार की, काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। हरीश रावत की अगर बात करें तो वो अपने बेटे को उतारने की बात वहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, अब ये शीर्ष नेतृत्व के हाथ की बात है। हम लोगों की CEC की बैठक में कुछ चीज़ें तय हुई, पेंडिंग रहा, उसके बाद हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई और आज से 4 दिन पहले लगभग हम अपनी सारी बातें हाई लेवल कमेटी में रख चुके हैं। निर्णय हाईकमान से आना है एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द हरिद्वार सीट को लेकर आपकी नाम की चर्चा भी जोरों शोरों से हो रही थी, क्या आपको लगता है कुछ पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना नाम वापस लिया और मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। वर्कर्स की तरफ से ये डिमांड थी कि नया चेहरा रहना चाहिए और अध्यक्ष होने के नाते उनको लगता था कि मैं बेहतर लड़ूंगा, लेकिन हरीश रावत जी जहाँ हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहाँ के सांसद भी रहे हैं, जब उनकी बात आई तो फिर मैंने बोला कि मैं नहीं, हरीश रावत जी को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आज भी दिल से ये चाहता हूँ कि हरीश रावत जी वहाँ से चुनाव लड़ें। वो सीनियर हैं इस वजह से आप ये बोल रहे हैं? निश्चित ही सीनियर हैं और उस चीज़ का लिहाज भी हमको करना चाहिए। जी, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से आपकी गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पर ले लिया गया है, उसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि कुछ सबूत भी जो हैं वो हाथ में लगे हैं, टाइमिंग गलत है या ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गलती है तो सज़ा तो होनी है, लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर ऑब्जेक्शन है। ठीक चुनाव से पहले क्यों? ठीक चुनाव से पहले कई ऐसे लोग हैं जिन पर ED और CBI लगा दी, इनकम टैक्स की रेट्स लगा दी। कांग्रेस के ऊपर 7 साल पहले पहले के केस में 14,40,000 का केवल मामला है, 210 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है, 92%। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्या चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार करना था तो पहले करते, ठीक चुनाव से पहले क्यों और ऐसे टाइम पे क्यों जब मतलब उनकी आवश्यकता है पार्टी को? तो ये लगता है कि बीजेपी घबराई भी है, नारा 400 पार का दे रही है, लेकिन उनको डर है कि उनकी सरकार इस बार नहीं आ पाएगी। और क्योंकि ऐसे कुकृत्य किए हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आया है, पुलवामा शायद खुल जाए और भी बहुत सारी चीज़ें जो खुल सकती है, और इनको भय है अगर किसी दूसरे की सरकार आएगी तो सारे बीजेपी के बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे और उसी डर से जो है अब इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की सरकार करा रही है। महाराज जी, दूसरी बात, अब इलेक्शन नज़दीक हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार रहेगा आपका? स्टार प्रचारकों की बात करें तो कौन कौन उत्तराखंड में आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकसभा में किसके आने से प्रभाव पड़ेगा। वैसे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सचिन भाई, इन लोगों की काफ़ी डिमांड हमारे यहाँ प्रदेश में है। और जो लोकल का हमारा प्रत्याशी है वो भी जिसको बुलाने से उसको लगेगा बेनिफिट होने वाला है, इसमें कई किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें तय होंगी।
लोकसभा सीट जो देहरादून की है उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेट भी हो गया है काफ़ी, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने नॉमिनेशंस भी दाखिल कर दिए हैं ऑनलाइन, तो अभी हमें कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, हरिद्वार और नैनीताल का हमारा अभी रुका है मामला, मुझे उम्मीद है आज शाम तक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बाकी तीन जगह हमारे ऑलरेडी प्रत्याशी मैदान में हैं, वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं और 26 और 27 तारीख की डेट्स निकाली गई हैं। 27 को अल्मोड़ा और पौड़ी में नॉमिनेशन है और 26 तारीख को टिहरी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी उत्तराखंड के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि हरीश रावत जो हैं वो काफ़ी सीनियर भी हैं और जल्द ही हरिद्वार सीट पर घोषणा भी की जाएगी उम्मीदवार की, ये कहना है, और कहीं ना कहीं जीत को लेकर वो आश्वस्त भी दिखे। और जब स्टार प्रचारक की बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि कौन से लोकसभा सीट मायने रखती है इस पर भी विचार किया जाएगा, स्टार प्रचारक को उतारा जाएगा, वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कितनी जल्दी लोकसभा सीट को लेकर, हरिद्वार खासतौर से लोकसभा सीट को लेकर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। कैमरामैन जय अब्राय के साथ मैं रीमा सिंह, नेशन वन।